आज मेरी बहू का घर में पहला दिन है, सबका मुंह मीठा कराऊंगी। मम्मी आज से 25 साल पहले भी ऐसी सुबह थी, एक नई दुल्हन ने ऐसी रसोई में कदम रख के अपनी सास को पुकारा था। तब जहां मैं खड़ी थी ना, वहां आज तू खड़ी है, और जहां पा खड़ी थी आज मैं खड़ी हूं। कहानी वही है, बस किरदार बदल गए। जब मंदिर में देवी की नई मूर्ति आती है ना, तो हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वैसे मेरे माँ अन्नपूर्णा के इस मंदिर में नई देवी आई है। मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? वही जो हर सास को जिंदगी में एक बार तो करना चाहिए। एक लड़की अपना घर बाहर, अपने माँ बाप, अपनी सखी सहेलियां, पूरे परिवार को छोड़कर एक पराए घर को अपना बनाती है। अनजान लोगों की सुख दुख की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाती है। नई दुल्हन के साथ स्नेह दिखाने की बहुत सारी रस्में होती है, पर सम्मान दिखाने की नहीं। ये रस्म है तो नहीं, पर होनी जरूर चाहिए। हद से तेरे अंदर माँ अन्नपूर्णा बसेगी। देवी के उस अंश को मैं प्रणाम करती हूं। याद रखना बेटा, तू आगे पढ़ना चाहे या काम करना चाहे, तो तेरी पहली पढ़ाई हो या पहली कमाई, रस्म ऐसी ही करना। रसोई तेरी दुनिया का एक हिस्सा है, पर तेरी पूरी दुनिया नहीं हो। तेरी दुनिया तो बहुत 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 बड़ी है। तेरा कॉलेज, तेरा ऑफिस, तेरा काम, तेरे सपने, पति और परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें भूल मत जाना, अपने आप को भूल मत जाना। मुझे पता था कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आप इतनी कूल हैं। वो समर वाला, you're the coolest। आज तक बहुओं ने सासों को बहुत कुछ कहा है, पर ये पक्का नहीं कहा होगा। क्योंकि आज तक किसी को आप जैसी कूल सास मिली ही नहीं। अच्छा सुनिए, पा ने सिखाया कि बहू को पहला सगुन हमेशा सोना ही देना चाहिए। अभी तो मेरे पास बस यही है, पर मैं तुझे वादा करती हूँ कि जल्दी मैं तुझे तेरी पसंद का कुछ दिला दूंगी। हाँ, ये जो कंगन है ना, पा ने मुझे मेरी पहली रसोई में दिए थे, अब ये तेरे। थैंक यू सो मच मम्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। I feel so lucky। मैं इतनी अच्छी तो नहीं कि मुझे आप जैसी मम्मी मिले। मैं आप जैसी बन तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। हलवा मीठी बातों से नहीं, बनाने से बनता है। जीबा, ये देख, ये हलवा मैं तुम दोनों के नाम का बना रही हो। तू एक काम कर, ये मेवे इसमें डाल दे और चीनी डाल दे इसमें, तो तेरे हाथ की पहली रसोई हो जाएगी।
जी मम्मी। लेकिन इससे पहले इधर। माँ के सामने हाथ जोड़। एकदम चौका सरस। अब ये लेकर कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगाओ और उसके बाद घर में सबको देना। पर कोई कुछ कहे या नाराज हो तो पूरा मत मानना। जी मम्मी। चल एक मिनट। चल मारी ब्यूटीफुल। पूजा की थाली वहां, कान्हा जी का भोग उठाओ और इसे यहां रख दो। सीधे हाथ से बेटा। हाँ यहाँ रखो। अब तुलसी का पत्ता लेकर इस पर डालो। अरे वाह, हलवा बना है। ये लीजिए बापूजी। आज किंजल की पहली रसोई है, उसके हाथ से मीठा बना है। तो अभी के लिए आपका परहेज कैंसल। सदा सुहागन रहो और ये शगुन। थैंक यू बापूजी। एक जमाना था जब बहुएं मायके से खाना बनाना सीख कर आती थी, और आजकल बना बनाए हलवे को हाथ लगा कर बहू कह देती है कि हो गई रसोई तैयार। वाह, माए बेटियों को रसोड़े में खाना बनाना सिखाती है। इसकी कोचिंग क्लास वाली माँ ने अपनी तरह कटे बाजू वाले कपड़े पहनने सिखाया है। बेटा, बड़ों का गुस्सा भी उनको आशीर्वाद होता है। बस बस जीती रहो। किंचन, बा को हलवा खिला दे। बा, मुंह मीठा कीजिए ना। तेरी माँ जो मिर्ची लगा के गई है ना, इसके बाद दुनिया का कोई भी गुड़ या शक्कर मेरा मुंह मीठा नहीं कर सकता।